हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्न फॉर लाइफ। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के ऊपर। टाइम एंड डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं समय और दूरी। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? समय और दूरी। टाइम का मतलब समय और डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूरी। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला के बारे में बताएं देखें तो फॉर्मूला स्पीड निकलने के लिए फॉर्मूला होगा इसका डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूरी बटा समय। अगर हम स्पीड निकालें, स्पीड का मतलब चाल निकालने बोलते हैं, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है आपका? दूरी बटा समय होगा। क्या होगा? दूरी बटा समय। अगर स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला के बारे में देखें तो डिस्टेंस बटा टाइम, डी बटा टाइम होगा फर्स्ट फॉर्मूला। और इसका अगर सेकेंड फॉर्मूला निकाले, सेकेंड फॉर्मूला देखे तो टाइम निकालते बोल दे, अगर टाइम निकालते बोल दे, टाइम निकालने बोल दे, तब फॉर्मूला जिसका होगा आपका डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। मतलब इसमें क्या होगा आपका? डिस्टेंस गिवन दिया रहेगा, टाइम गिवन दिया रहेगा, लेकिन निकालने क्या बोलेगा? स्पीड निकालने बोलेगा। इसमें सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा आपका? डिस्टेंस गिवन दिया रहेगा और स्पीड गिवन दिया रहेगा, और पूछेगा क्या है आपका? टाइम पूछेगा, तब इसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा स्पीड। पहला फॉर्मूला क्या होगा? डी बटा टी होगा। मतलब क्या है? एस इक्वल टू क्या होगा आपका? डी बटा टू, डिस्टेंस बटा टाइम। सेकेंड फॉर्मूला होगा टाइम, टाइम का टी इक्वल टू क्या होगा आपका? टाइम इक्वल टू क्या? डी बटा एस, डिस्टेंस बटा स्पीड। थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा? दूरी, दूरी का फॉर्मूला होगा तो स्पीड मल्टीप्लाई, स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, मतलब स्पीड इंटू टाइम, डी इक्वल टू एस इंटू टी होगा। अगर डिस्टेंस निकालते बोल रहे, डिस्टेंस निकालने बोले तब क्या होगा? स्पीड मतलब क्या? चाल गिवन रहेगा और टाइम गिवन रहेगा, तब हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? डी इक्वल टू एस इंटू टी। तो टोटल टाइम एंड डिस्टेंस का तीन फॉर्मूला है। तीन फॉर्मूला क्या होगा आपका? इसी से फर्स्ट से ही सेकेंड फॉर्मूला निकला। ठीक है, फर्स्ट के से ही सेकेंड, और सेकेंड फर्स्ट से आपका थर्ड भी निकला फॉर्मूला। क्या थर्ड भी निकला? मतलब अगर देखें तो टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है। क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, इसी से आपका दो और फॉर्मूला निकल गया, टाइम निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया है, और ये बहुत ही आसान है, इसको याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।